वीरपुर में छिड़ गया है खूनी संग्राम, क्या होगा इस खूनी जंग का अंजाम। आज बरसों बाद वीरपुर की मर्दानी ने अम्मा जी ने उठा ली है बंदूक, एक एक करके अम्मा जी करने चली हैं अपने दुश्मनों का विनाश। जानवी के गुनेगारों को सजा देने के लिए अम्मा जी ने रणतेज और उसके भाइयों के लिए जो चिता सजाई थी उससे तो बलवंत ठाकुर ने अपने बेटे को बचा लिया। टुकड़ा गोली लगेगी ना तो लाश से दीच चिता पर आकर गिरेगी। लेकिन आज बलवंत ठाकुर को अम्मा जी की गोली से कौन बचाएगा। आज तो वीरपुर की शेरनी की आंखों में बदले की आग है। आज तो अम्मा जी लड़कियों को खिलौना समझने वाले मर्दों को एक ऐसा सबक सिखाना चाहती है कि आगे से कोई आदमी औरतों के साथ जुल्म करने से पहले भी 10 बार सोचेगा। आज बलवंत ठाकुर आ गया है अम्मा जी के निशाने पर और अम्मा जी के गोली ने कर दिया है वीरपुर के रावण का अंत। हर उस बाप के लिए से जिसने अपने छोरों से संस्कार नहीं दिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं उनके पास जिन्हें अभी अभी अम्मा जी ने नरक पहुंचाया है, यानी बलवंत ठाकुर के पास, जिनका शो में भी ट्रैक अब खत्म हो गया है। स्टोरी ऐसी है क्योंकि जो गलत काम किए हैं उसके लिए पाप तो मिलेगी ना, पाप तो मिलेगा ही ना। तो बहुत खराब आदमी है। हम यही आपको बताना चाहते हैं कि आपको अगर खुदा ने, भगवान ने आपको कुछ खूबियां दी हैं कि आप में शक्ति है और आपके पास ये दिमाग है कि आप एक बड़ी जायदाद बना सकें और बहुत कुछ कर सकें अपने बच्चों के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका गलत इस्तेमाल करें, है ना। और आप लोगों को मारते फिरें, गर्ल्स को अब्यूज़ करें, मिसयूज़ करें, ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ मरना ही अच्छा है उनके लिए। बलवंत ठाकुर को मौत के घाट उतारने के बाद अम्मा जी गाँव से जा रही होती है तभी उन्हें रोक लेती है अनुष्का। क्या कर रही थी आप? कौवा ने कितने डरे हुए? और फिर से ये बंदूक, आज के बाद इस बंदूक को आप हाथ में नहीं लेंगी। अब जो भी करना है ना मैं करूंगी। वही अम्मा जी को बलवंत ठाकुर की हत्या करते हुए युवराज ने भी देख लिया था। ताऊ की हत्या का बदला युवराज ने भी लिया अम्मा जी पर चाकू से वार करके। जैसी करनी वैसी भरनी, जवाब बहुत अधिक है पर वक्त नहीं। युवराज अपने ताऊ को कंधे पर उठाकर वहां से चला जाता है और अनुष्का भी लगाती है गांव वालों से मदद की गुहार। आज वीरपुर की शेरनी जमीन पर घायल पड़ी है, एक तरफ घायल दादी है तो दूसरी तरफ खूनी पति। यह अनुष्का के लिए वाकई मुश्किल की घड़ी है। अब देखना ये होगा कि अम्मा जी के बोए हुए बीजों को अनुष्का कैसे काटेगी। मुंबई से अक्षय अगवानी सिद्दीकी के साथ पूजा तिवारी, E24।